हाय बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू हॉक क्रिएशन। किंग का एक पॉडकास्ट आया है प्रखर के प्रवचन के चैनल पर, जिसमें किंग ने एमिवे बंटाई के बारे में काफी डिटेल में बात करी है कि आखिर एमिवे को इंडिपेंडेंट वाली बात इतनी क्यों चुभ गई, जिसकी वजह से एमिवे बंटाई उनके ऊपर डिस भी बना चुके हैं। भाई स्टैनी की बात तो हो गई, ये बताओ क्यों कलेश हो रहा है इस गाने पे? पता नहीं भाई क्यों कलेश हो रहा है इस गाने पे। मेरे को तो ये भी नहीं पता कौन सी लाइन है जितनी, मतलब भाई मैंने तो कुछ गलत भी नहीं बोला। सो व्हाट इज अप ब्रो, व्हाई इज एमिवे सो हर्ट? आई डोंट नो, शायद उसे लग रहा है कि मैंने उसे डिस करा है। This is not a diss, this is just one line. You are just addressing someone. I just addressed that person. Who are you addressing? Anyway, अच्छा, you are addressing him. Yeah, but you're not addressing him. No. Listen to the whole YouTube के rapper ने जिस दिन किया मुझे खाली बैठे यूं ही बेवजह diss, उस दिन बैठा घुसा बैठा राजा under 30 Asian Forbes की list. I don't mean to disrespect, but my friend the gap is big. I don't want to diss anyone, because my friend the stack is thick. The story is not about who's worst or who's best in it. It's all about rags and rich. It's all about foods and split. और ये दिस इज नॉट मेंट टू डिस हिम, आप मतलब हां लिटरली तो ऐसा नहीं है, लिटरली ऐसा नहीं है, बट क्योंकि इसमें बहुत कॉन्टेक्स्ट और लेयर्स है। अब सर कॉन्टेक्स्ट तो अब देखो यार, तुम मुझे बोलो हेलो और मैं बोल जाऊं भाई तुमने हेलो क्यों बोली मुझे, हाय भी तो बोल सकता था, इसके हेलो में वो बात नहीं थी। अब सोचने को तो भाई तुम कुछ भी सोचते रहो, बट द पॉइंट इज मैंने एक पॉडकास्ट में, यार देखो ये पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट इसलिए होता है आप अपना ओपिनियन रखो, कितना तो राइट रखता है इंसान को 100%। मेरे से एक सवाल पूछा गया जो उन चीजों से रिलेटेड था, अबाउट बीइंग इंडिपेंडेंट एंड लेबल्ड आर्टिस्ट, ठीक है। मैंने दोनों तरह से कहा, भाई मैं 360 जा चुका हूं, मैंने हर चीज देख ली है, ठीक है। तो मेरे से जब ये सवाल आया तो मैंने बताया कि मेरे लिए ये चीज एक होक्स है, मैं यही बता रहा था, और कहीं ना कहीं उसने भी जो उस चीज पे रिप्लाई किया उसका भी वही मतलब था, बस वही था कि वो वाली बात होती नहीं, ये बात तू नहीं, मैं बोलूंगा तो तू बोल ले भाई, कोई बात नहीं, तेरी बात है, जा ठीक है, तू रख ले इस बात को। मैंने यही बात बोला कि अगर आप कुछ करने के लिए निकले हो ना तो ये सब होक्स है, अगर आपको कुछ करना है आप ऐसे भी करोगे और वैसे भी करोगे, ठीक है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को, जिन जो लोग समझते हैं चीजों को, उन लोगों को साथ रखो, सही लोगों को साथ रखो। और मैंने मेरे को वर्ड टू वर्ड आदमी में जो भी बोला होगा भाई, अगर आप उसे देखो, कोई बंदा सेंस बनाता है, जो भी बंदे सेंस बनाते हैं ना, उन सबने वो चीज देखी और उनको कहीं भी 1% भी वो नहीं लगी कि भाई बंदा अपना ओपिनियन रख रहा है, सीधा सीधा बोल रहा है, ठीक है ठीक है। अब तो सो बेसिकली ऐसा है ना कि जब आप वर्ड यूज करते हो ना इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो मेरे ख्याल से हमारे भाई हैं जो इस चीज की ओनरशिप लेते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, दुनिया का अकेला इंडिपेंडेंट, आई एम द ओनली इंडिपेंडेंट, मतलब क्या ही बोलूंगा, मतलब वो अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट समझते हैं, मेरे को उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब उनको ऐसा लगा कि उनको, और वो 15 सेकंड की वो क्लिप कटती है और वो इंटरनेट पे डलती है, वो 3 घंटे का पॉडकास्ट है। अगर आपको नॉलेज सीख करनी होती है, कुछ सीख करनी होती है, वो 3 घंटे पॉडकास्ट समझते पहले कि बात हुई क्या आगे से पीछे की आपको, क्योंकि एक रिएक्ट सीख करना था तो आपने 15 सेकंड की क्लिप देखी। और मेरे को इस बात पे हंसी आती है कि कोई इंसान मेरी 15 सेकंड की एक फ्री के प्लेटफॉर्म पे जाके, हालांकि वैल्यू बहुत रखता है बट कमाया है, फ्री के प्लेटफॉर्म पे जाके एक बंदा ये बात बोल रहा है कि वो ये सोचता है उसकी 15 सेकंड की, और उसका 1 रुपया नहीं लगा उस चीज में, आपने 15 सेकंड की क्लिप देखी है, ठीक है, आप गए, आप स्टूडियो घुसे, आपने घंटों लिखे पहले वो गाना, अपनी लाइट वेस्ट करी उस पर, ठीक है, लाइट वेस्ट करी, अपनी लाइट वेस्ट करी, उसके बाद अपनी टीम को अपने मिशन सेट के एक दूसरे मिशन पे लगा दिया, एक काम करो अपने को भी फटाफट डिस बनाने का है, ठीक है बच्चे लोग फटाफट भाई ये मंगाया, लाइट मंगाई, आप निकले उसके बाद उसे शूट करने, फिर आपने वो एक पूरी वीडियो शूट करी जिसमें आपने ये जस्टिफाई करा कि मैं इंडिपेंडेंट हूं और तू लोगों को गलत बता रहा है, जबकि मैं अपना सिर्फ एक ओपिनियन रख रहा हूं। आप मेरी 15 सेकंड की क्लिप पे अगर जाके अपनी रात वेस्ट कर रहे हो और लाखों रुपए वेस्ट कर रहे हो ना अगर मुझ पे गाना बनाने के लिए, तो भाई ये बात आप वैसे भी तो कर सकते थे, मुझसे क्या दिक्कत थी, सही बात सही बात। मैं तो बोल ही नहीं रहा कि भाई मैं ही इंडिपेंडेंट हूं, भाई ये तो कोई, मेरे तो कहने का मतलब है जो भी आ रहा है गाने बना लो भाई अच्छे, बात खत्म बात खत्म। और फिर जब मैंने उनको यूट्यूब का रैपर बोला तो वो मैंने फैक्ट्स के साथ बोला है, इतनी सी बात है सिंपल सी। अब उन भाई ने फिर वो गाना बना दिया पूरा, जिसमें कौन सा गाना है, एक अरे एक गाना है, एक पूरा गाना है, मतलब उनकी उनके एंड से गाना है, उनके एंड से गाना है, कौन सा गाना है भाई? भाई ये गाना ना, ये इंडिपेंडेंट, पहली लाइन है, ठीक है। मैंने सिर्फ ये एड्रेस करी, भाई कह रहे हैं कि 10 साल में 20 मिली, इसको बोलते हैं फेम। आप अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म का फेम बता रहे हो कि यहाँ पर आपके 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, जो आप अपने दर्जनों गानों में बोल चुके हो, तो मैं इसको आपकी एक सिंगल क्रेडिबिलिटी मान लूं? तो मैंने आपको यही तो बोला, आपके अगर यूट्यूब पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर तो आप यूट्यूब रैपर हो, यू आर डूइंग रैप ऑन यूट्यूब एंड यू आर काउंटिंग योर सक्सेस एज के मेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर है, तो कहां है यूट्यूब पे, तो भाई यूट्यूब रैपर ही तो। तो मैंने यही तो लिखा कि मेरे को डिस करने की तो जरूरत थी नहीं, यूट्यूब का रैपर ने खाली पी ली जिस दिन मुझे करा डिस उसी दिन, और जिस दिन इसने मुझे डिस भेजा था लिटरली मैं उस दिन कैंस के कारपेट से उतर कर आया हूं, मैं अपने BNB में गया हूं, मैंने अपने कपड़े उतारे और मैंने यूं करके अनामिका खन्ना, मैंने उतारा है और ऐसे करके मैंने फोन देखा है और मेरे को एक मैसेज आता है, कांग्रेचुलेशंस यू आर इन टॉप 30 एशियन फोर्ब्स लिस्ट, लेट्स गो, नॉट इवन लाइक आप खुद बोल रहे हो, अगर आपने लिखा होता स्पॉटिफाई या कुछ तो फिर मैं उस हिसाब से एड्रेस करता हूँ। एक आर्टिस्टिक प्लेटफॉर्म का नंबर मेरे को गाने में
जस्ट टू जस्टिफाई माई होक्स एंड लेबल थिंग ही इज जस्टिफाइंग दिस कि मेरे 20 मिलियन सब्सक्राइबर तू फेम देख मेरे 10 साल में. मेरे भाई आप अपने 20 मिलियन सब्सक्राइबर देखो, आप अपने व्यूज देखो, आप उनकी एवरेज निकालो. मेरे 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, आप मेरे व्यूज देखो और उनकी एवरेज निकालो और मैं कितना कंसिस्टेंट रहता हूँ कितना नहीं रहता. ठीक है, तो एमीवे बंटाई ने किंग की इस बात का जवाब अपनी इंस्टा स्टोरी से दिया कि एमीवे ने स्टोरी पर एक पोस्ट को रीशेयर किया जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि एमीवे बंटाई के यूट्यूब चैनल के लाइफ टाइम का व्यूज और किंग के यूट्यूब चैनल के लाइफ टाइम के व्यूज में कितना गैप है और नीचे लिखा था कि सही में गैप इज बिग. तो एमीवे के टोटल व्यूज 3 बिलियंस थे और किंग के टोटल व्यूज 1 बिलियंस थे. तो किंग के सब्सक्राइबर 6.7 मिलियन है और एमीवे के 21.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं. तो किंग ने कहा था कि दोनों का एवरेज निकालो और तुमको पता चल जाएगा कि किसके व्यूज अच्छे आ रहे हैं. तो जब हमने दोनों चैनल के रेशियो परसेंटेज में निकाला तो नंबर्स ये आ रहे थे, एमीवे का ये आ रहा था और किंग का ये आ रहा था. तो दोनों के स्टैट्स देखने के बाद एमीवे बंटाई का व्यूज कम आ रहा है किंग के व्यूज से. लेकिन किंग कितने ट्रैक डालते हैं मंथ में और एमीवे कितने ट्रैक डालते हैं मंथ में ये तो आपको पता ही होगा. और एमीवे बंटाई को ये भी कहा है कि एमीवे बंटाई 110% फुली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट नहीं है और इसके बाद भी काफी कुछ बोला है पॉडकास्ट में. आई डोंट नो मैन, आई जस्ट मेट नील मोहन कोई डीमीन करने वाली बात नहीं, बट दिस इज द ट्रूथ आई एम स्पीकिंग. अब अगर मेरे सच बोलने पे आपको लेवल्स आपको ईगो हर्ट हो जाता है तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग भाई. ये मैं सच ही तो बोल रहा हूँ. मैं 2 महीने बाद किसी से मिला, मैं बैठा और मुझे पता लगा कि उस रूम में तुम्हारी कोई बात ही नहीं. अगर तुम यूट्यूब के इतने बड़े रैपर और इतनी बड़ी सक्सेस तुम्हारे पास है तो उस रूम को मेरे अंदर तुम क्यों नहीं हो. कि उस दिन में वो सिर्फ एक बंदे से मिल रहा है, वो किंग है. आई नेवर वॉन्टेड टू शट डाउन यूट्यूब फैन फेस्ट. मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं यूट्यूब फैन फेस्ट जाकर शट डाउन करूँ. 10,000 लोग, पूरी गूगल टीम वॉज देयर, हर कोई मेरे को फोन पे दिखा रहा है नेक्स्ट डे जब मैं यहाँ पर मिला हूँ के सी व्हाट यू डिड. 10,000 लोग गाना गा रहे हैं साथ में. रैप नहीं है लाला, हिप हॉप नहीं है, मैटर नहीं करता भाई. एक इंडियन बंदा वो चीज कर रहा है और मैं यूट्यूब, मैं ओन भी नहीं करता कि भाई ये यूट्यूब आप ही तो अल्लाह मचा रहे हो, आप क्यों नहीं हो वहां पर. 10,000 लोग आपके लिए क्यों नहीं गा रहे हो गाना. मैं तो 6 मिलियन पे बैठा हूँ, मैं टॉप यूट्यूबर्स के साथ क्यों खड़ा हूँ. हाउ ओल्ड इज दिस सॉन्ग चेक. इज दिस 2 महीने पुराना है. अभी रिसेंट है सब. 2 महीने पुराना है. 19 ऑल ही गॉट वाज 2.9 मिलियन व्यूज हैविंग 21.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स. बट इट डज इफेक्ट यू अ लिटिल बिट. As a human, it affects me. Yeah. कि जब मैं तेरे बारे में सोच ही नहीं रहा, जब मैं आपके बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, मैंने वहां कोई बात नहीं बोली, तो तुमने गोली क्यों चलाई, आप क्यों ऐसा कर रहे हो. मैं जब देखूं आप हर 2 दिन बाद 2 महीने बाद उठ रहे हो, आपके हर प्रोजेक्ट का पहला गाने किसी पे डिस हो रहा है. आप अरे यार आप अच्छे गाने बना लेते. आप 40 गाने फेंक सको, 40 गानों में से 30 गाने तो डिस होंगे आपके किसी ना किसी पे. अब ये होगा कि ये मुझको छेड़ रहा है, वो मुझको छेड़ रहा है. यार जब लोग मुझे छेड़ रहे थे मैं कार्निवल बना रहा था. जब लोग मुझे छेड़ रहे थे मैं मोनोपोली बना रहा था. Right. बना रहा हूं और बना दी. और 48 घंटे के अंदर वो नंबर 1 एल्बम बन गई, ग्लोबल चार्ट्स में नंबर 6 पे खुल गई, सब कुछ हुआ. एंड देन व्हाई डू लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग दिस बैक एंड फोर्थ विद मी. अगर आप 10 साल से आप मुझे फेम दिखा रहे हो, मुझे बात लिखने की जरूरत नहीं, मुझे 4 साल हुआ है मैं कौन हूं. बट एक आदमी सामने से कह सकता है कि वही तो लिखा है आपने कि द स्टैक्स आर थिक एंड द डिफरेंस इज बिग. हां तो बोलने की जरूरत तो है कि नहीं है इस चीज. हाँ. ये एड्रेस ये बताने की जरूरत है कि अगर आप मुझ पर इतना बड़ा डेडिकेशन दे रहे हो तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी को डिस नहीं करना चाहता क्योंकि गैप बड़ा है. आई एम ऑन माय मिशन. मैं आपको डिस नहीं करना चाहता क्योंकि स्टैक बड़ा है. आई नो द बिजनेस, आई नो द थिंग्स. आई होप आपको भी पता होती जब आप इंडिपेंडेंट इतना कह रहे हो तो. एंड बेसिकली दिस गाय इज नॉट इंडिपेंडेंट 100%. ही इज नॉट 100% इंडिपेंडेंट. आर यू रियली टेलिंग मी? यस यस, ही इज नॉट 100% इंडिपेंडेंट. अगर आपको फुल पॉडकास्ट देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ओके, वीडियो को लाइक जरूर कर देना. मिलते हैं रोको 2MG के ब्रेकडाउन वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.